हेलो एवरीवन। तो चलिए आज आपको मैं SBI PO का जो फॉर्म आया उसको कैसे स्टेप टू स्टेप जो है फॉर्म को भरना है बिना किसी गलती के, तो लास्ट तक वीडियो को देखना है। देखिए स्टार्टिंग डेट जो है 22 तारीख से हो चुका है, लास्ट डेट आपको 12/10 तक है, ठीक है। तो और आप एडिट कर सकते हैं 12/10 के बीच में। तो मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊँगा किस तरह आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है रजिस्ट्रेशन करना, कोई टफ नहीं। यहाँ पे आपको नाम कंफर्म जो फर्स्ट नेम है वो डाल देना है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम को यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, आराम से फिल करेंगे, पूरा पेमेंट करते तक मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा। तो जो नाम है वो डाल देते हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेप में भी आपको देखिए पूरा नहीं डालना है, आपको सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ सभी का नेम, किसी का मिडिल नाम है वो डालना है। तो यहाँ भी आपको कंफर्म करना है फर्स्ट नेम आपने क्या डाला है, जैसे कि मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ जो नाम डाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल डाल दीजिए, नहीं है तो आप क्या करेंगे लास्ट नेम पे यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको पूरा नाम दिखा देगा। अब यहाँ पे आपको जो करंट में आप मोबाइल नंबर रखें वही मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोबाइल नंबर, और आपका जो ID पासवर्ड उसी में ही आएगा। साथ ही साथ एक अपने अल्टरनेट नंबर, चाहे पेरेंट्स का हो, भाई का हो, किसी का भी यहाँ डाल दीजिए, ये एमरजेंसी के लिए काम आता है। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल ईमेल आईडी आपके मोबाइल में लॉगिन है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, क्योंकि इसमें भी आपका ईमेल आईडी में आईडी पासवर्ड जो है आएगा। अगर मोबाइल में नहीं आता तो आपका ईमेल में ज़रूर आएगा, ठीक है। डालने के बाद में फिर से इसको रिपीट कर लीजिए जो ईमेल आईडी आपने लिखा है। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी को लिख देता हूँ @gmail.com। उसके बाद में सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है, देखिए तो जैसे R2324 को मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में आपको ये पूरा एक बार जो है चेक कर लेना है सही या नहीं, ठीक है। ये चेक हो जाने के बाद में देखिए अगर कुछ भी, अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ भी गड़बड़ रहेगा ना तो यहाँ पे आपको जो है रेड शो कर देगा। तो मैंने यहाँ पे सारा चीज़ एक बार चेक कर लिया, उसके बाद में कंटिन्यू सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपका जो है मेरा प्रोसेस जो है सक्सेसफुल हो गया। पहला मैं यहाँ पर आपको ID और पासवर्ड जो है जनरेट हो चुका है। अब इसको नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपके मेल में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाने के बाद में क्या करना है आपको, ये अब अगर आप चाहे तो फिर से लॉगआउट करके लॉगिन कर सकते हैं, या डायरेक्टली आपका लॉगिन हो गया। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है जैसे इसमें दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा क्या क्या साइज़ रहेगा। तो मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों को क्या है अपलोड मैंने यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पर अगर आप चाहे तो जो डेमो पार्ट है वो देख सकते हैं कि क्या क्या देगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछ रहा है कि आपका कैटेगरी क्या है, SC OBC जनरल जो भी है। जैसे मैं OBC से हूँ तो OBC का लेता हूँ। सब कास्ट यहाँ पे आप अपना सब कास्ट डाल सकते हैं जो भी है आपका सब कास्ट। उसके बाद में नेक्स्ट प्रेस करेंगे, देखिए नेक्स्ट में फाइनेंशियल ईयर का जो है क्या क्या डिसेबिलिटी है, आप विकलांग में आते हैं जो भी, तो यस करेंगे। कितना है तो पूरा बाकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे कि क्या चीज़ में है आपका, आइज़ में है, पूरा जो भी है जिसमें पार्ट आपका सब डिसेबिलिटी का दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आप जो है देखिए लाइन से पूछते जा रहे हैं आप माइनॉरिटी कम्युनिटी चाहते हैं क्या, तो नहीं डालना है। उसके बाद में अगर आपने कभी भी SBI PO का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसको डालना है, ठीक है। 2010 से पहले देखिए 2010 से पहले तक कितने बार, 2010 के बाद आपने कितने बार दिया एग्ज़ाम, तो नहीं तो यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोलते हैं कि सिविल स्कोर कहाँ काम आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट जब आप बैंक एग्ज़ाम देंगे ना तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपका कभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या, अब यहाँ पूछे क्या आप जो है SBI के एम्प्लॉय हैं क्या पूछ रहे हैं, तो नहीं, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे, अगर हैं तो यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एलिजिबल हैं वो ऑटोमेटिक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पैन नंबर पूछा है, देखिए बैंक में पहली बार इस टाइप का पैन नंबर डालने बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर पैन नंबर को डाल देता हूँ। डालने के बाद में आपका स्टेट चॉइस के लिए, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो छत्तीसगढ़ का चॉइस कर लेता हूँ, कोड आगे 17। और कहाँ एग्ज़ाम देना है, जैसे मैं भिलाई में देना चाहता हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या दे रहा है कि आप जो है एग्ज़ाम मेंस के लिए चॉइस कर लीजिए, तो मैं छत्तीसगढ़ में ही करूँगा, अब रायपुर में होगा हमारे मेन्स का एग्ज़ाम। उसके बाद में यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है, आई कन्फर्म एग्जैक्ट जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मेरे ID कार्ड में होगा, जैसे कि मेरा आधार कार्ड दूंगा, पैन कार्ड दूंगा, जो भी, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया A to Z वैसी होना ज़रूरी है, ठीक है, अलग नहीं है। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, बैंक का या SSC हो, आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे नाम A to Z आपके जो वैलिड ID कार्ड होगा उसमें होना चाहिए। जेंडर चॉइस के लिए अगर ट्विन ब्रदर हैं, जैसे जुड़वा रहते हैं
मेल फीमेल सब तो डालना पड़ता है, क्या एग्ज़ाम में धोखा मत हो इसलिए रहता है, कि कई लोग रहते हैं ना कि ट्विन ब्रदर ट्विन सिस्टर रहते हैं, तो वो पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपको फादर नेम डाल देना है, मैरिड स्टेटस डाल लीजिए, मैरिड है नहीं है जो भी है। फादर नेम यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, सेम यहाँ पे फादर नेम में फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम दिया है, फिर लास्ट नाम दिया है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे लाइन से फिल कर देते हैं। अगर आप कैपिटल में कर रहे हैं तो कैपिटल में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से करें। क्योंकि एक देखिए गलती करोगे तो आपको एडिट करने का चार्जेस लगेगा, ऐसे भी बहुत ज़्यादा चार्जेस है जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक है। तो अगर आप गलती मत कीजिए, एसटीएससी के लिए जो है 0 रुपीज़ है, बाकी जनरल ओबीसी से हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। तो यहाँ पे आप एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है वो डाल दीजिए, या टेम्परेरी एड्रेस जो भी है। देखिए यहाँ पे टेम्परेरी करेस्पॉन्डिंग है और टेम्परेरी एड्रेस को डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाने के बाद में अब एक बार चेक कर लीजिए पूरा सही है नहीं, अगर आप परमानेंट एड्रेस भी सेम यही रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है चूज़ द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवाइस, तो मैं परमानेंट एड्रेस के हिसाब से जीएसटी जो इनवाइस है उसको मैं चॉइस कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो परमानेंट का। अब वैलिड चेक कर लीजिए कि कोई भी कहीं गड़बड़ तो नहीं, जैसे यहाँ पर फादर नेम में गलत दिख रहा है कुछ बोल रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार नाम को, उसका फिर से होता है कई बार क्या स्पेस स्पेस हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा चेक कर लीजिए बोलता है, तो मैंने चेक कर लिया। उसके बाद वैलिडेट करने के बाद आगे बढ़ाया, तो ये जो है पूरा डिटेल चेक हो जाने के बाद में फिर से मैं आगे बढ़ा देता हूँ। 7 कंटिन्यू पे आ गया। अब यहाँ पे आपको जो है आपका ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, कि जैसे मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन पे क्या है, एपीयर हूँ या पास हूँ, वो पूरा डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पास हूँ तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो वो डाल दिया। उसके बाद मैंने कब पास आउट हुआ वो डालना है। यहाँ पे आपका मार्क्स क्या है और आप फर्स्ट डिवीज़न में पास हैं या सेकंड डिवीज़न में, वो सब चीज़ डाल देते हैं। पहला में डिग्री सब्जेक्ट क्या है आपका देखिए, फिर सेकंड में इंस्टीट्यूट आपका कॉलेज डाल सकते हैं, फिर सेकंड में आपका इंस्टीट्यूट जो भी जैसा है वो डाल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी जैसा भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लैंग्वेज चॉइस करना है, कि आप जैसे मैं हिंदी बोल लेता हूँ, इंग्लिश बोल लेता हूँ, और हम छत्तीसगढ़ से हैं तो हमको छत्तीसगढ़ी भी लिखने बोलने सभी आता है, सुनने भी आता है, ठीक है। आपका कितना परसेंटेज बना है आपका ग्रेजुएशन में वो यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल कर देता हूँ और आगे प्रोसेस में बढ़ते हैं। देखिए मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज का नेम, मैं हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ी भी बोलता हूँ क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से हैं, ये सब चीज़ होने के बाद में वैलिड करेंगे इसको, उसके बाद चेक कर नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक बार चेक करने का मौका देगा, कि एक बार देख लीजिए कहीं आपका नाम, आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल किया कहीं गलत तो नहीं है, जो भी है आपको एक बार यहाँ पे फिल कर चेक कर लेना है, उसके बाद में आगे सबमिट करना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे आपको चेक करना। सारा चीज़ चेक हो जाने के बाद में यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में आई एग्री का ऑप्शन दे रहा है, नीचे थोड़ा सा ला लेता हूँ मैं, आई एग्री पे क्लिक करना है, और ये तीनों पे नहीं, देखो लास्ट के दोनों पे नहीं करना, देखो मैंने दोनों पे कर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ पॉपअप दे रहा है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको दो चीज़ दिया है, आई कन्फर्म वाला, देखिए आई कन्फर्म दोनों में से एक, देखो आई कन्फर्म का मतलब है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हूँ वो मेरे आईडी के साथ में A to Z मैच कर रहा है, इस कारण आई कन्फर्म करेंगे। अगर आपका भाई कई बार होता है ना कि आपका आईडी कार्ड में जैसे कि सरनेम नहीं लिखा हुआ है और आपके 10वीं के मार्कशीट में सरनेम लिखा है, तो इस तरह डिसमैच होता है, वही चीज़ को बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ को करना है, कि मैं से एक लास्ट वाला हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कर दिया हूँ इन्फॉर्मेशन वो मेरे आईडी प्रूफ के साथ A to Z नाम और सरनेम पूरा मैच कर रहा है। तो ये चीज़ सही हो जाने के बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, A to Z सही होना चाहिए, ठीक है, नाम स्पेलिंग सब चीज़। अगर चेंज करना है तो आप लास्ट वाला पे क्लिक कर देंगे। ये हो जाने के बाद में मैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट पे कर लूँगा, उसके बाद नेक्स्ट ओपन होगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब को अपलोड कर लेना है और हैंड रिटर्न जो आपको दिया है वो, तो मैं दोनों को अपलोड कर लिया हूँ, और जो सिक्योरिटी कोड दिया है उसको मैं फिल करके नेक्स्ट कर देता हूँ। आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट प्रोसीजर आता है पेमेंट का, तो हमको 750 रुपया OBC और जनरल को लगेगा, और STSC के लिए नील है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलिए आगे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा, किससे करना चाहें वहाँ पे, मैं UPI से करूँगा क्योंकि UPI बहुत इजी रहता है, बहुत फास्ट रहता है, बिना चार्जेस के कट जाता है, क्योंकि आपको डेबिट कार्ड वार्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डालना है ओनली UPI ID को। तो मैं जल्दी से UPI ID फिल कर देता हूँ।
तो मैं यूपीआई आईडी को फिल करके आगे बढ़ जाता हूँ। चाहे तो आप देखिए राइट साइड में बारकोड दिया है, बारकोड में क्लिक करेंगे तो आप स्कैन करके भी इसको पे कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई से करता हूँ क्योंकि इसमें क्या है वो डायरेक्टली पॉपअप चल देता है, और इसमें बारकोड से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है, बारकोड चेंज होते रहता है। तो मैं एक पेमेंट करूँगा, अब मुझे पॉपअप आ चुका है मेरे फ़ोनपे पर। तो आपका देखिए जैसे यहाँ पर कम्प्लीट जो 5 मिनट के अंदर में आपको करना है, 5 मिनट के अंदर में, ठीक है, क्योंकि जैसे सक्सेस होगा आपका ओपन होके क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ से कर लिया हूँ तो कुछ ही देर में ये सबमिट हो जाएगा। देखिए सबमिट हो गया, तो आपको ये जो रिसिप्ट मिला ना ट्रांजेक्शन एक्नॉलेजमेंट का, इसको आप क्या करना है प्रिंट करके रख लीजिए। प्रिंट करके रखेंगे काम आएगा, ट्रांजेक्शन आईडी सब चीज़ रहता है सक्सेस का। ये हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगेन फिर से लॉगिन करना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पेमेंट सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाने के बाद में आपको लॉगिन करना है यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। आईडी और पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन कर लिया। तो इस तरह मैंने जो फॉर्म दिया था वो यहाँ पे मेरा पूरा आ चुका है। राइट साइड में प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दे रहा है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया था ये सब चीज़ जो है अपलोड हो चुका है, आप चाहे चेक कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।